2025 में कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए टू गेट अ हाई पेइंग जॉब। आज हम लोग कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है एंड सैलरी कितनी मिलेंगी उन जॉब प्रोफाइल्स में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कोर्सेरा के कुछ कोर्सेज भी सजेस्ट करूंगा जिससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, बिकॉज आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर हैं कोर्सेरा। थैंक्स अलॉट कोर्सेरा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। जिनको नहीं पता, कोर्सेरा इज अ ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट पार्टनर्स विद ओवर 300 यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री जॉइंट्स लाइक गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टैनफोर्ड टू ब्रिंग फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल एंड जॉब रेडी ऑनलाइन एजुकेशन टू मिलियंस। कोर्सेरा आपके लिए कोर्सेज और लर्निंग पाथवेज बनाता है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड होते हैं। प्लस इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप अपने शेड्यूल के हिसाब से और अपनी पेस के हिसाब से सीख सकते हैं। एंड यहाँ सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलती है बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टूल को यूज करते हुए आप स्किल्स एक्वायर करते हो जो कि आपके एम्प्लॉयर को एक्चुअली चाहिए होती है। इस प्लेटफॉर्म पे एनरोल होने का एक और मेजर बेनिफिट ये है कि आपको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलते हैं फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स लाइक गूगल, मेटा, स्टैनफोर्ड एंड ये सर्टिफिकेट आपकी CV को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल क्या होती है, इसमें काम क्या करना होता है, ये तो आपको पता चली गया होगा हमारी लास्ट वीडियो से। अब हम लोग इसके कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। सबसे पहले है हमारे सामने कॉग्निटो एनालिटिक्स विथ CTC 10 LPA एंड की स्किल्स हैं एक्सेल, पाइथन, SQL एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स। देन वी हैव यूनाइटेड एयरलाइंस विथ CTC 8.5 LPA एंड यहाँ पर की स्किल्स हैं SQL, पाइथन, रिपोर्टिंग टूल्स। देन वी हैव श्लम बर्जर विथ CTC 14 LPA एंड की स्किल्स विजुअल रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड पावर BI। देन वी हैव फिशर जॉर्डन विथ स्टाइपेंड 40,000 and key skills are Python and SQL. Data analytics एक ऐसा field है which is expected to grow rapidly in the coming years. And हमने देखा कि सारी की सारी job descriptions में जो चीज़ common है that is SQL, MS Excel, data representation tools जहाँ पर आपके पास दो options होते हैं Power BI and Tableau, and Python या R में से एक programming language. इसके साथ साथ एनालिटिकल थिंकिंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। एंड जब आप डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए रिज्यूमे बनाएंगे उसमें ये सारी स्किल्स आपको मेंशन करनी है, साथ साथ इनकी प्रिपरेशन भी करनी है। नाउ लेट मी सजेस्ट यू सम कोर्सेरा कोर्सेज विच यू कैन डू जहाँ से आप ये सारी लर्निंग कर सकते हैं, ये स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ आपको उनमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा विच ऑल्सो यू कैन मेंशन इन योर रिज्यूमे। फर्स्ट कोर्स है गूगल डेटा एनालिटिक्स। अब इस कोर्स का ये USP है कि ये एक एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है जो गूगल के थ्रू डिजाइन किया गया है और इसमें अब तक 2 मिलियन से भी ज़्यादा लर्नर्स इनरोल कर चुके हैं विद अ रेटिंग ऑफ 4.8। इस कोर्स में आपको स्प्रेडशीट, SQL, विजुअलाइजेशन टूल्स और R जैसे इन डिमांड स्किल्स सीखने को मिल जाते हैं जो हमने डेटा एनालिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन में भी देखे हैं। साथ ही ये कोर्स आपको ये भी समझने का मौका देता है कि एक डेटा एनालिस्ट अपने डे टू डे टास्क में कैसे काम करता है ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये करियर आपके लिए सही है या नहीं। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर डेटा एनालिटिक्स रोल। एंड इसके साथ साथ आपको गूगल सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा व्हेन यू कंप्लीट दिस कोर्स। नेक्स्ट कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एनालिस्ट। इस कोर्स में भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी रेटिंग है 4.6। ये कोर्स आपको पावर BI के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन सिखाता है जो डेटा एनालिटिक्स में एक हाई डिमांड स्किल है। इसमें आप प्रोजेक्ट के थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग कर पाओगे जो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने में मदद करेगा। एंड ये भी लास्ट कोर्स की तरह ही एक फ्रेंडली एंड सेल्फ पेस्ड कोर्स है, मतलब अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग रोल्स के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि जब से AI आया है तब से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डरे हुए हैं ही, बट इसके साथ साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि AI पे काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग AI, दे ऑल्सो नीड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड AI इंजीनियर्स। तो चलिए कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस पे नज़र डालते हैं एंड देखते हैं कि हमारे फ्रेशर्स को ये कंपनीज कितना पे कर रही हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्रेड विच ऑफर्स अ CTC ऑफ 52 LPA। की स्किल्स आर पाइथन एंड मैथमेटिक्स। देन वी हैव अडोबी विच ऑफर्स अ स्टाइपेंड ऑफ 1 lakh। की स्किल्स आर टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च एंड सम मशीन लर्निंग टॉपिक्स। देन वी हैव एजिनोर विच ऑफर्स अ CTC ऑफ 10 LPA एंड की स्किल्स आर पाइथन एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इन GDs में हमने देखा कि आपका मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको पाइथन भी आनी चाहिए। अब यार मैथमेटिक्स एक ऐसा वास्ट फील्ड है ना कि आप किसी भी डायरेक्शन में कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक अच्छे कोर्स के थ्रू, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें। तो देखते हैं कि कोर्सेरा का कौन सा कोर्स बेस्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारे पास IBM's Python for Data Science, AI and Development। Python अपनी वास्ट लाइब्रेरी इकोसिस्टम की वजह से डेटा साइंस में ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान बना देती है। अब ये बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप पाइथन और उससे जुड़ी लाइब्रेरीज लाइक पैंडास, नम पाए,
जुपिटर नोटबुक सीखना चाहते हो। कोर्स में अब तक 1 मिलियन प्लस लर्नर्स इनरोल कर चुके हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करता है। एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको IBM की तरफ से एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर जब एक बार आप पाइथन सीख लो तो आप एक ऐसा कोर्स हो जो आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करे। So we have Stanford's and Deep Learning AI's Machine Learning Specialization course. ये कोर्स आपको मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स और उन्हें रियल वर्ल्ड AI applications में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाता है। इस कोर्स में आप फेमस यूटिलिटीज लाइक NumPy, scikit-learn के साथ मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करना, उन्हें ट्रेन करना और टेंसर फ्लो का यूज करके न्यूरल नेटवर्क बनाना सीखोगे। साथ ही आप डिसीजन ट्री, अनसुपरवाइज लर्निंग और रिकमेंडर सिस्टम के एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। कोर्स कम्प्लीट होने पर आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। 4.9 स्टार की रेटिंग और 500,000 से ज्यादा एनरोलमेंट के साथ ये कोर्स वाइडली अप्रिशिएटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास IBM's डेटा साइंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज ब्रॉट बाई IBM। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको प्रिपेयर करेगा फॉर करियर इन हाई ग्रोथ फील्ड ऑफ डेटा साइंस। इस प्रोग्राम में यू विल डेवलप स्किल्स, टूल्स एंड पोर्टफोलियो, जिससे आपको एक कंपेटिटिव एज मिलेगा इन द जॉब मार्केट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे क्या? तो देयर कम्स कोर्सेरा प्लस इन द पिक्चर। इफ यू गेट कोर्सेरा प्लस सब्सक्रिप्शन, यू विल बेसिकली गेट 7,000 प्लस कोर्सेज इन द सब्सक्रिप्शन, एंड आपको सबके लिए इंडिविजुअल पे नहीं करना पड़ेगा। तो भाई कोर्सेरा प्लस के साथ यू कैन गेट मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, आप किसी भी डोमेन के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, आपको 7,000 प्लस कोर्सेज मिल जाते हैं। सो आप लोग एंजॉय करो, गेट द कोर्सेरा प्लस इफ यू एक्चुअली वांट टू एनरोल इन मोर देन वन कोर्स। इमेजिन अ सिंगल इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, और उसके थ्रू आप मल्टीपल डोमेन्स के स्किल्स गेन कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा ऑन ईच कोर्स। बेस्ट पार्ट, कोर्सेरा प्लस के साथ आप एक नहीं मल्टीपल सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, विच विल एड क्रेडिबिलिटी टू योर प्रोफाइल। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोफाइल्स के बारे में। इसमें आपको पता है कि DSA रिक्वायर्ड है, बट DSA के साथ साथ आपके रिज्यूमे में कुछ अच्छी स्किल्स भी तो होनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं हमारे JDs में। तो हियर वी हैव SITG, स्किन इन द गेम, विथ 10 LPA CTC एंड प्लॉट लाइन विद 18.5 LPA CTC। इन दोनों का ही जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग पॉज करके देखो, एंड यू विल रियलाइज दैट दे बोथ नीड डेवलपमेंट इन योर स्किल्स। सो हियर वी हैव अ वेरी गुड कोर्सेरा कोर्स फॉर यू, मेटा फ्रंट एंड डेवलपर। एज अ बिगिनर ये काफी कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, जो आपको HTML, CSS, JavaScript, React और Bootstrap CSS फ्रेमवर्क जैसे एसेंशियल फ्रंट एंड स्किल सिखाता है। इस कोर्स में आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करना, JavaScript एंड React का यूज करना और GitHub रिपोजिटरीज के साथ काम करना सीखोगे, जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। इस प्रोग्राम की रेटिंग है 4.7, एंड ये प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मेटा की तरफ से एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। बिजनेस एनालिस्ट के बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है कि उनको काम क्या करना होता है, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको पता है तो हम लोग कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मीशो विद CTC 21 LPA, एंड की स्किल्स हैं एडवांस SQL एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन वी हैव ओयो विद 11 LPA, एंड की स्किल्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सेल एंड SQL। नेक्स्ट है फोन पे विद CTC 16 LPA, एंड की स्किल्स हैं एक्सेल, SQL एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये है कि बिजनेस एनालिस्ट की जो स्किल सेट है वो बिल्कुल डेटा एनालिस्ट के स्किल सेट से मैच करती है। तो यू कैन रेफर द सेम कोर्सेज जो कि हमने वहाँ देखे थे। आपको पाइथन पढ़ना है, SQL, Excel, डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स, यही सब कुछ पढ़ना है विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है कंसल्टिंग। इट्स अ नॉन टेक प्रोफाइल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ बेन एंड कंपनी विथ 14 LPA CTC एंड EY विथ 12.6 LPA CTC। तो जैसा कि हमें पता है कि देर आर नो डायरेक्ट टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, यू यूजली हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो JD पढ़ के भी हमें पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू विल हैव टू बी वेरी गुड विद एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर इसके साथ साथ आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, इट विल एड अ वेरी गुड वैल्यू टू योर रेज्यूमे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, डेडलाइंस कैसे सेट करनी है, अपडेट्स कैसे लेने हैं। तो देखते हैं कोर्सेरा का कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो वी हैव गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 4.8 की रेटिंग और 1.5 मिलियन एनरोलमेंट्स के साथ ये भी एक हाईली रेटेड प्रोग्राम है, विच इज ब्रॉट टू यू बाय गूगल। ये आपको प्रैक्टिस और स्किल सिखाता है जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए जरूरी होते हैं, विच इंक्लूड्स इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्क्रम इवेंट्स। इसमें आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के थ्रू स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग स्किल से डेवलप करोगे, जो आपके करियर को एलिवेट करेगा। तो गाइज आप लोग जाकर के खुद से एक्सप्लोर करो कि आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है, वही स्किल सेट आपको रिक्वायर करने हैं। और जितने भी कोर्सेज एंड JDs के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्सेरा के सारे कोर्सेज के साथ सर्टिफिकेशन है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।